कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज होने वाले माइक्रो कंट्रोलर सर्किट और एक नॉर्मल सर्किट, जो कि पुराने टाइप का सर्किट होता है, पहले के स्टेबलाइजर में आपने देखा होगा यूज होता था टेस्टराइज सर्किट, उसमें टेस्टर वगैरह यूज होते थे, उस सर्किट के बारे में, और देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं पूरा वीडियो, हमारा वीडियो इसी माइक्रो कंट्रोलर सर्किट के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने ये कई सारे माइक्रो कंट्रोलर सर्किट रखे हैं। तो पहले तो इन सबको हटाकर एक सबको रखेंगे, किसमें से कोई एक पीस निकाल लेंगे, क्योंकि एक निकालेंगे या सब निकालेंगे, चीज सब एक ही है। ये सब हटा देते हैं। हमने ये बाहर निकाल लिया है पैकिंग में से। तो इसमें आपने देखा होगा, देखिए इसमें चार ट्रांजिस्टर लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और एक आईसी है और एक ही इसमें पेसेट लगा हुआ है। इस पेसेट से ही इसकी सारी सेटिंग्स होती हैं। इस पेसेट से हम बस एक बार सेट करते हैं, बाकी सारे स्टेप्स हमारे ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। यानी हमें इसमें बार बार कई सारे स्टेप्स सेट नहीं करने, हमें केवल एक स्टेप सेट करना है। एक स्टेप से ही इसके सारे स्टेप्स और यहाँ तक कि हाई कट भी सेट हो जाता है। और इस पीस में अब आपको बता देते हैं इसके सर्किट की खासियत क्या है। देखिए इसमें की आईसी लगी है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, और ये देखिए चार ट्रांजिस्टर जो इसमें दे रखे हैं। तो हम इससे चार रिले ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें तीन रिले वर्किंग रिले होंगी, यानी ये हमारा 90 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट के स्टेबलाइजर के लिए सफिशियंट है। और एक जो ट्रांजिस्टर है, ये चौथी रिले जो ऑपरेट करेगा, ये टाइमर और हाई कट के रिले के लिए है। हाई कट, लो कट, टाइमर सब उस रिले से ऑपरेट होंगे, और तीन रिले वर्किंग रिले। और इसे हम दो रिले वाले स्टेबलाइजर में भी यूज कर सकते हैं और तीन रिले वाले स्टेबलाइजर में भी यूज कर सकते हैं। और टाइमर भी हम इसका चाहें तो यूज कर सकते हैं या फिर नहीं यूज। अगर मान लीजिए किसी स्टेबलाइजर में हम चाहते हैं टाइमर यूज ना करें, तो हम इसमें टाइमर वाली रिले नहीं लगाएंगे और इसका कनेक्शन वहां से हटा देंगे। तो ये हमारी विदाउट टाइमर भी यूज हो जाएगा सर्किट। और छोटा सा सर्किट है, इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा एसी सप्लाई नहीं देनी है। इसमें केवल ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट की एसी सप्लाई जाएगी, उसी से ये सब कुछ ऑपरेट करेगा। हमें इसमें साथ में कोई छोटा ट्रांसफार्मर 909 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत ही आसान सर्किट है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, और इसमें इतने आमतौर पर फॉल्ट भी नहीं आते हैं। अब इसके मुकाबले आपको वो सा सर्किट दिखाते हैं जो कि इससे पहले यूज हुआ करता था, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है वो चीज भी आपको बताएंगे। देखिए अब ये दूसरा सर्किट है। आमतौर पर ये सर्किट भी बहुत ज्यादा यूज होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर में, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए एक नॉर्मल सर्किट है, ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट है ये, और ये भी 90 वोल्ट के स्टेबलाइजर के लिए, यानी तीन रिले ऑपरेट करने के लिए। इसे भी हम 140 में भी यूज कर सकते हैं, यानी अगर हमें दो रिले का कोई स्टेबलाइजर है उसमें भी यूज कर सकते हैं। उसमें हमें जैसे ये आपको देखने में सर्किट एक ही लग रहा है, बट आपको इसमें देखिए तीन पेसेट दिखाई पड़ रहा है। तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड है, ये देखिए तीन हिस्सों में डिवाइड है सर्किट तीन रिले ऑपरेट करने के लिए। अगर हमें इससे तीन रिले ऑपरेट करनी है तो तीन रिले के हिसाब से कनेक्शन करेंगे, दो रिले ऑपरेट करनी है तो फिर हम दो रिले के हिसाब से कनेक्शन कर लेंगे, तीसरी रिले को छोड़ देंगे। तो इसकी खासियत आपको बता देते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा सर्किट है और ज्यादातर यही यूज होता था माइक्रो कंट्रोलर सर्किट आने से पहले। इसमें सप्लाई आपको बता देते हैं, इसमें देखिए तीन सप्लाई यूज होती हैं। देखिए दो वायर मैंने आपको काट रखे हैं, इसमें दिखा रखे हैं। इसमें दो सप्लाई तो मेन ट्रांसफार्मर से आती है, एसी सप्लाई 18 वोल्ट और 24 वोल्ट, और एक सप्लाई इसमें 909 से आती है 18 वोल्ट की। और इसमें फिर हमारा तीन रिले ये ऑपरेट करता है और उसमें तीन सप्लाई आती है, और माइक्रो कंट्रोलर में केवल एक ही सप्लाई आती है, इसमें 909 की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हाई कट लो कट वगैरह कुछ भी नहीं है, इसमें हाई कट और टाइमर वगैरह सब कुछ है। और इसमें हमें तीन रिलों को अलग अलग सेट करना पड़ता है, यानी तीन पे सेट हमें सेट करना पड़ते हैं, जिससे इसके सारे स्टेप्स आते हैं। अगर एक भी पे सेट सही से सेट नहीं कर पाए तो वे स्टेप्स नहीं आ पाएंगे। इस सर्किट में हमें केवल एक ही पे सेट और एक ही बार सेट करना है, यानी एक ही स्टेप सेट करेंगे तो बाकी सारे स्टेप्स हमारे ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, भले ही वो हाई कट हो या फिर बाकी नॉर्मल स्टेप्स। और इसमें अगर हमें इस सर्किट में अगर हमें हाई कट या लो कट वगैरह यूज करना होता था तो साथ ही हम इसके एक अलग सर्किट लगाते थे। ये देखिए ये टाइमर हाई कट और लो कट सर्किट है। अगर हम ये सर्किट यूज करते तो हमें हाई कट या लो कट या टाइमर की जरूरत पड़ती थी, तो इसके साथ में हम ये सर्किट भी यूज करते थे। और अगर हमें केवल टाइमर यूज करना होता था इसके साथ में, तो फिर हम ये टाइमर यूज करते थे। ये केवल टाइमर सर्किट है तो हमें साथ में ये चीजें यूज करना पड़ती थी, लेकिन इस सर्किट में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें केवल हमें सर्किट लगा देना है। सारे फंक्शन इसमें अगर हमारी मर्जी है, टाइमर अगर यूज करें तो करें, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों सर्किट का मैंने आपके सामने बताया कि दोनों में क्या फंक्शंस हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है।
अब आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर अगर नए हो और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।